मोदक बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी का डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए गैस पर पैन रख दिया है। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और पैन में डाल देते हैं सूजी को और सूजी में घी को डाल देते हैं। अब इसे धीमी आंच पर भूनेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए और सूजी कलर हल्का चेंज हो जाए। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे सूजी कहीं कच्चे ना रहें, अच्छे से भून जाएं। सूजी को हमने धीमी आंच पर भून लिया है, इसका कच्चापन निकल गया है और इसका कलर भी हल्का चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं 1 कप दूध और दूध को सूजी में मिला लेते हैं। अब इसमें चीनी को डालेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे जिससे चीनी हमारे अच्छे से गल जाए और डो हमारे बनकर तैयार हो जाए। जैसे जैसे सूजी दूध को सोखते जाएंगे तो डो हमारे धीरे धीरे बनते जाएंगे। गैस को हमने धीमा रखा है, धीमी आंच पर हम डो को बनाएंगे। अगर हम तेज आंच पर डो बनाएंगे तो सूजी जो है दूध को जल्दी सोख लेगा और सूजी अच्छे से खिल नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसे धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए डो बनाएंगे जिससे सूजी हमारे अच्छे से खिल जाए। अब इसी में थोड़े से इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसे सूजी और दूध में मिला लेते हैं। इलायची पाउडर डालने से मोदक का स्वाद और बढ़ जाता है, इसलिए आप इस तरीके से मोदक बनाएं तो इलायची पाउडर ज़रूर डालें। अब आप देख सकते हैं सूजी ने दूध को अच्छे से सोख लिया है, डो हमारे मावा जैसा बनकर तैयार हो गए हैं। हमने बहुत टाइट डो नहीं बनाया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब डो को इस प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तब इसके बाद इसका मोदक बनाएंगे। अब मोदक के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ डो हमारे हल्के ठंडे हो गए हैं, थोड़ा सा डो हम इस कटोरी में निकाल लेते हैं। इसी से हम स्टफिंग तैयार करेंगे। थोड़ा सा डो हमने इस कटोरी में निकाल लिया है। यहाँ हमने थोड़ा सा येलो फूड कलर लिया है, अब इसमें फूड कलर मिला लेते हैं। फूड कलर को हम डो में हाथ से मिला लेते हैं। फूड कलर को हमने डो में मिला लिए हैं। अब इसी में नारियल पाउडर डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ बादाम को डाल देते हैं और बारीक कटा हुआ काजू भी डाल देते हैं। थोड़े से इलायची पाउडर डाल देते हैं। अब सूजी में नारियल पाउडर मेवा को मिला लेते हैं। मोदक के लिए हमने स्टफिंग को तैयार कर लिया है। अब इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। इस तरीके से हम एक साइज के सारे लोई बना लेते हैं। एक एक करके हमने सारे लोई बना लिए हैं। यहाँ हमारे डो पूरी तरह ठंडे हो गए हैं। अब इसको हाथ से मसल कर थोड़ा चिकना कर लेते हैं, तब इसके बाद हम इसका मोदक बनाएंगे। डो को हमने अच्छे से मसल कर चिकना कर लिया है, अब इसका भी लोई बना लेते हैं। इसका लोई हम थोड़े बड़े साइज में बनाएंगे जिससे इसमें स्टफिंग आसानी से हो जाए। डो को दोनों हाथ से मसलते हुए लोई बना लेते हैं। एक एक करके एक साइज के सारे लोई बना लिए हैं। अब इसका हम मोदक बनाएंगे। मोदक हम बिना सांचे के बनाएंगे, तो पहले हम एक लोई हाथ में लेंगे, दोनों हाथ से मसलते हुए कचौरी जैसा चिपटा करेंगे और इसके बीच में जगह बनाएंगे। अब इसमें हम स्टफिंग करेंगे और इसको हम चारों तरफ से इस तरीके से पैक करेंगे। डो को इस तरीके से पैक करते हुए मोदक बनाएंगे। इस तरीके से मोदक बना लेते हैं। यहाँ हमने कांटा वाला चम्मच लिया है, अब इसी चम्मच से हम मोदक में डिजाइन करेंगे। मोदक में हम चारों तरफ से चम्मच इस तरीके से डिजाइन करते जाएंगे।
ये हमारा पहला मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बनाएंगे। अब हम दूसरा वाला मोदक बना लेते हैं। इसमें भी दोनों हाथ से बीच में जगह बनाएंगे और इसमें भी स्टफिंग करेंगे। अब इसको भी दोनों हाथ से पैक करते हुए मोदक बना लेते हैं। और इसमें भी चम्मच से डिजाइन करते जाएंगे। एक एक करके हमने बिना सांचे के सारे मोदक बना लिए हैं। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से मोदक बनाया है। तो आप भी इस तरीके से बिना सांचे के अपने घर पर मोदक बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बिना सांचे कितना अच्छा मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब एक मोदक हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये दिखने जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। आप एक बार इस तरीके से सूजी के मोदक जरूर बनाएं। यह मोदक बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। यह मोदक बनाने में हमें लगभग 10 मिनट लगे हैं। इस तरीके से मोदक बहुत कम समय में बहुत आसानी से बन जाते हैं।